को कोई व्यक्ति कोई भेंट भेज देता है वो आपको और हमें ध्यान बना रहता है कि नहीं हमें भी बदले में कुछ भेजना है। और जिस ईश्वर ने इतना सुख दिया हो, संपत्ति दिया हो, बढ़ती दिया हो, उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता आनी चाहिए। यही तो भक्ति है कि हम भगवान के उपकारों का स्मरण करें कि आपने कृपा करके ही तो ये सब मुझे दिया है, आपकी कृपा से ही तो सब मिला हुआ है। तो भक्त लोग तो कभी कभी बड़ी मनोभाषा में पुनः पत्रिका में तो गोस्वामी जी भगवान से एक पद में कहने लगे, हर तुम बहुत अनुग्रह की, महाराज आपने तो बड़ी कृपा किया। गिनाने लगे, साधन धाम विभुद दुर्लभ तम हमने कृपा कर दियो, आपने ऐसा शरीर हमें दिया कि जो साधन करने योग्य है और जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, आपने ये तो आपने भी दिया। और इसका अभिप्राय भी कि शरीर के संदर्भ को भी अगर व्यक्ति विचार करके देखे तो उसमें भगवान के भक्त का उदय होना चाहिए और होता है। और इसका अभिप्राय क्या है, जन्म देने वाली मां के हम कृतज्ञ होते हैं, पिता के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, स्वाभाविक है। किंतु सजग व्यक्ति यह सोचता है कि जिस माता ने जन्म दिया अगर हम उसके ऋणी हैं, तो गर्भ में जब बालक है उस समय क्या सचमुच मां के लिए यह संभव है क्या कि वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा बालक की रक्षा कर ले। इसका अभिप्राय है वो ईश्वर ने ही ऐसी रचना बना दी है। तो उस समय गोस्वामी जी मेरे पत्रकार में यही कहते हैं, मेरे प्रभु गर्भदास दस मास पाल पितु मां को रूप ही तकिलो, आपने गर्भ में 10 महीने तक हमारी रक्षा किया और उस समय भी आपने ऐसा शरीर दिया मां को, ऐसी विलक्षण रचना किया कि गर्भ में भी वो बालक जीवित रहता है, ये आपकी करुणा। तो मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि जन्म के समय के बाद नहीं, जन्म के पहले से ही हम अगर स्मरण करें तो ईश्वर के इतने उपकार हैं जीवन में कि उसकी कोई सीमा नहीं। तो ये जो बस भगवान की भक्ति का उदय कब होता है, अगर हमको ये लगने लगे जैसे जब भी किसी को लगता है कि मेरे प्रति बड़े सदय हैं, बड़े कृपालु हैं, तो उसके प्रति स्वभावतः प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने इतना दिया और देते ही जा रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अगर इसके बाद भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ना आवे तो इससे बढ़कर के तो कृतज्ञता की कोई बात हो ही नहीं सकती। और इसीलिए वो स्वामी जी याद दिलाते हैं, प्रभु आपने इतने उपकार किए हैं, कोटियों गदन बने नहीं बहुमत, प्रभु के सब उपकार। पर आगे की बात, भक्त लोग किस भगवान से ऐसा कह करके जो बात कह रहे हैं वो तो सचमुच अनोखी। भगवान ने मुस्कुरा के पूछा, मेरे उपकारों की आज याद दिला रहे हो और कह रहे हो करोड़ों मुंह से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो क्या कुछ ऋण चुकाने के लिए आए हो क्या? आपने किसी से ऋण लिया हो और कहे कि आपने 10,000 रुपये मुझे दिए थे, कोई बात को सुनते ही वो सामने वाला आशा करेगा कि शायद पूरा रुपया और पूरा नहीं तो ब्याज तो लौटाने आए ही होंगे। भगवान ने पूछा, तो तुम ऋण को ऋण का बदला चुकाने आए हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, और बड़ा मीठा विरोध किया, बोले प्रभु देने वाला जो है और उसको देते समय देने वाले ध्यान रखते कि सामने वाले को इतना ही ऋण दे जितना लौटा सके, और अगर सामने वाला व्यक्ति इतना ऋण ले ले कि वो जान जाए कि हम लौटा ही नहीं सकते, तो फिर वो समझता है कि लौटा तो सकते नहीं, और कहीं से जितना लेते बने उतना और ले लो। जब कलंक लगना ही है कि ऋण नहीं चुकाते
दिवालिया कहलाने है, तो फिर वो और भी क्रोध जितना लिया जा सके ले लो। तो गोस्वामी जी ने कहा वो संसार में तो बड़ी बदनामी है कि ऐसा कोई करे, पर समस्या है कि आपने तो इतना दे दिया, कुछ दे देने का तो वो तो हम मिल चुका से, तो फिर सुनाने क्यों आए हैं? तो तुमने तुमने कहा बोले प्रभु कोते हो बदल बने नहीं बंगत प्रभु के सब उपकार, तब बोले तगत नाथ कछ और मांगे। अब इतना आपने लिया है तो इतना और दे दीजिए। ना दे दे भाई, बड़ी मीठी बात। बोले प्रभु मैंने संतों से सुना कि भगवान के चरणों में भक्त करना मन लगाना ये जीव का कर्तव्य है, महाराज वो मुझसे नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा ये संसार के विषय है वो तो जल है, और हमारा मन जो है वो तो मछली की तरह, और जैसे अगर मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो बेचैनी ही नहीं होती, प्राण छोड़ देती है। इसी प्रकार से हमें तो ऐसा लगता है कि विषय से अलग होते ही बस जीवन समाप्त हो जाए। तो एक ही उपाय है कि मैं तो विषयों का त्याग कर नहीं पाऊंगा, आपके चरणों में मन लगा नहीं पाऊंगा, भक्त कर नहीं पाऊंगा, पर एक उपाय मैं आपको बताए देता हूं, उससे वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या? उन्होंने कहा प्रभु आपने बहुत से शिकार किए होंगे, पर चलिए जरा एक नए प्रकार का शिकार कीजिए। क्या? वो मछली को शायद आपने कभी ना मारा हो, तो ये जो हमारे मन की मछली है हम ये चाहते हैं कि आप दिखाइए उस मछली को मारने की कला, और भगवान को बता भी दिया। बोले महाराज वो जो मछली फंसाते हैं वो एक लंबे बांस में पतले बांस में रस्सी लटकाते हैं, रस्सी में कांटा लगाते हैं, और कांटा लगाने के बाद मछली को जो प्रिय खाने की वस्तु होती है उसे लगा देते हैं, तो उस चारे के लोभ से मछली जब मुंह डालती है तो वो कांटे में उलझ जाती है, और शिकार खेलने वाला मछली को बाहर निकाल लेता है। तो उपाय बोले प्रभु सब आपके पास ही है, मैं तो पहले कह चुका कि मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। तो उपाय क्या? बोले कृपा गौरी, कृपा की तो बया लीजिए गौरी, मैं कटिया कहां से ले आऊं? तो कहने लगे भक्त मानते हैं कि भगवान के चरणों में एक रेखा है, कई रेखाएं हैं, उसमें एक रेखा है अंकुश रेखा, तो आप कटिया को देखें और अंकुश को देखें तो दोनों की बनावट जो है वो उल्टी एक जैसी होती। तो वो स्वामी जी ने कहा प्रभु ये चरणों में जो अंकुश रेखा है ये तो कटिया है ही, और उसके पश्चात लगा लीजिए कृपा का, कृपा की रस्सी, कृपा की गौ, और फिर उसके पश्चात चारा मछली को फंसाने के लिए चाहिए तो चारा कौन सा है? बोले कृपा गौरी बंसी पद अंकुश और परम प्रेम मृदु चारो, कृपा की रस्सी, चरण के अंकुश रेखा की कटिया, और उसमें प्रेम का ऐसा चारा लगा दीजिए कि मन उसको फंस जाए। सो महाराज आपका शिकार हो जाएगा और हमारे मन की समस्या दूर हो जाएगी। आप ही मेरे मन को अपने चरणों में ले लीजिए, आप ही मेरे मन को अपने चरणों में समाहित कर दीजिए। भक्त जब ये प्रभु से प्रार्थना करता है तो ये भक्त की रसमयी वृत्ति, भावमयी वृत्ति, प्रभु ही ऐसे है कि जो निरंतर देते ही जाते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे मांगना नहीं जानते। क्या मांगना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो तुलसीदास जी जानते थे,